जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। एक गाना मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा है इस घर को देख के कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। ये ब्यूटीफुल ड्राइंग डाइनिंग एरिया बेडरूम का रंग सुनहरा। चलो ठीक है, सॉरी थोड़ा मैं ओवर एंथुजियास्टिक हो जाता हूँ, बट कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक। 2024 का साल शुरू हो चुका है, हाउस टूर्स आ रहे हैं, एजुकेशनल वीडियोस आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई गए हो, नीचे दिया हुआ है चैनल का लिंक, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी तुरंत दबा लो। अब जैसे अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में आपको बताता हूँ, वैसे ही आपको हाउस टूर देता हूँ। ये खड़ा हूँ मैं दरवाजे पे, दरवाजे के सामने फ्रंट ऑफ द हाउस, बैक ऑफ द हाउस और बहुत बड़ा सेंटर है। फ्रंट ऑफ द हाउस में आता है आपका ड्राइंग एरिया और फैमिली लाउंज। ड्राइंग एरिया और फैमिली लाउंज देखिए बॉस, ये कुछ कुछ घरों में ड्राइंग डाइनिंग फैमिली लाउंज का एरिया होता है और ये एक्सपेंस में सीधे आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया स्लैश लॉबी एरिया स्लैश जो भी इसको बनाना चाहो। फिर पूजा स्पेस की एक अलग एलैबोरेट स्पेस दे रखी है साइड पे। ये 80 फुट का पूजा स्पेस आप अपने इष्ट देवता स्थापित करके 5-7-8 लोग बैठ के यहां पूजन कर सकते हैं। फिर आपका पहला बेडरूम आता है फ्रंट ऑफ द हाउस में। बेडरूम का साइज देखेंगे, इसमें खो मत जाइएगा प्लीज, क्योंकि अभी मुझे आपको बाकी कमरे भी दिखाने हैं। ये हाउस टूर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि घर बहुत बड़ा है और टाइम डिजर्व करता है। पाउडर रूम बहुत एफिशिएंटली प्लेस्ड है। ये पाउडर रूम आपके छोटे कमरे के साथ खुलता है जिसका दरवाजा साथ में दे रखा है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। किचन देख लो, आइलैंड है, सेपरेट वॉशिंग एरिया है, मॉड्यूलर है, वाइट गुड्स फिटेड है, मतलब आप चाह क्या सकते हो और इससे ज्यादा। और ये आइलैंड मेक्स मी यू नो गो। अब आपके चार बेडरूम जो कि पीछे हैं, बेडरूम के साइज देख लो भैया, दो दो बिस्तर लग सकते हैं, मतलब दो किंग साइज बेड लगने के बाद भी यहाँ जगह है। आ जाओ बाहर आ जाओ, पहले बाकी कमरे दिखा दो, उसके बाद हम शुरू करेंगे यह हाउस टूर। बेडरूम नंबर 3, बेडरूम नंबर 4 और बेडरूम नंबर 5 आपको दूसरे कॉर्नर पे दिखेंगे। बहुत बड़ा घर है, बड़ी फैमिली हो, स्पेसिंग चाहिए हो तो सब कुछ है इसमें, मतलब यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर स्पेस, स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। बाथरूम्स के साइजेस, कमरे के साइजेस इतने एलैबोरेट हैं कि बस मजा ही आने वाला है बॉस। ये देखिए कॉर्नर प्रॉपर्टी है, इसलिए हर कमरे में वेंटिलेशन एडिक्वेट है। चलिए अब सबसे पहले आपको इस बिल्डर के बारे में कुछ बता दूं, आरोहन होम्स। आरोहन होम्स ने कम से कम 15 साइट डिलीवर करी हुई है गुड़गांव में। कुछ वीडियोस हैं जो ऑलरेडी हमने उनके घरों की बनाई हुई है, लिंक नीचे दिया हुआ है, आपको टैग कर रहा हूं, प्लीज देख लीजिएगा। अब ये जो घर है ये गुड़गांव की सबसे नामी ग्रामीण रोड यानी आकाश नीम मार्ग पे बेस्ड है। घर का नंबर है 155, न्यूमरोलॉजिकली 7 होता है, तो जिनको 7 नंबर लकी है जल्दी आ जाइए। ये कॉर्नर प्रॉपर्टी है, 24 मीटर रोड पे स्थित है और साउथ फेसिंग है, तो मतलब कड़ाकेदार धूप। मैं एक्चुअली सुबह ये घर शूट करने वाला था, बहुत नेचुरल सनलाइट थी इस घर में, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे एक क्लाइंट मेरे पास आ गए जिनको मैं घर दिखाने में बिजी हो गया और फिर हम आपको घर दिखाने में रह गए। आप घर के अंदर एंटर करेंगे तो ये आपका एंट्रेंस फॉयर है। एंट्रेंस फॉयर पे एडिक्वेट जगह है कि आप एक टेबल प्लेस कर सकें, सर्दियों का टाइम है तो कोट हैंगर लगा सकें ताकि आराम से यहाँ पे सोया जा सके, आराम से यहाँ पे अपनी चीज़ें रखी जा सके। देखिए हे भगवान, कभी कभी तो क्या बताऊँ आपको क्या हो जाता है मुझे वीडियोस बनाते हुए। नाउ दिस इज योर फॉर्मल ड्राइंग स्पेस, मार्बल हिलने का काम, बहुत सारी जगह, ओपन्स अप इनटू द बालकनी, बालकनी सिक्लेटेड है। ये घर ना अभी बहुत खुले लेआउट्स में बनाया गया है। आपका ड्राइंग एरिया इज अबाउट 400 स्क्वायर फीट, यहाँ पे आप आराम से 30 से 40 लोगों को सीट कर सकते हैं और जैसे ही आप पीछे घूमेंगे वैसे ही आपको एक फैमिली लाउंज की स्पेस मिल जाएगी। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर में पार्टीशंस पसंद करते हैं तो इस पिलर के साथ
आप यहाँ एक पार्टीशन डाल के इसको एक फैमिली लाउंज एरिया बना सकते हैं, जहां आप एक होम थिएटर लगा सकते हैं, बड़ी टीवी स्क्रीन लगा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो श्रद्धा अनुसार आप लगा सकते हैं। पंखा देखिए गाइस, स्वस्तिक मतलब हाफ स्वस्तिक जैसा पंखा है, स्वस्तिक नहीं एक्चुअली नाजी साइन जैसा लगता है। कोई अगर हिंदू हो तो ज़्यादा गुस्सा ना हो, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ और मुझे स्वस्तिक की पवित्रता और उसकी सैंक्टिटी पे बहुत ज़्यादा प्राइड है। अब मुझे तो ना एक्चुअली इतना बड़ा घर है कि मैं एक्साइटेड भी हूँ, कन्फ्यूज भी हूँ। आज दिस इज़ नॉट द रियलिटी चेतन, दिस इज़ द एक्साइटेड चेतन विथ हु गोज क्रेजी व्हेन ही लुक्स एट अ बिग हाउस, who just enjoys showing you big properties, magnanimous properties. Zara expanse dekho apne drawing area ka, dekho dekho kya matlab boss meri to samajh ke bahar hai ki main aise ghar mein kya karunga. agar aap samajh sakte ho to please mujhe bhi bata dena aur mujhse ek ghar khareed lo taki main ye dekh bhi lu ki aap yahan kya karoge. चलिए पूजा रूम देखिए, पूजा रूम 80 फुट की जगह है, आराम से आप अपने यहाँ इष्ट देवता को स्थापित करके एक इलैबोरेट मंदिर बना सकते हैं। आइए किचन की तरफ, ऑल मॉड्यूलर किचन, सीमेंस के अप्लायंसेस, आइलैंड किचन, वॉशिंग एरिया सेपरेट, वॉशिंग एरिया के आगे यूटिलिटी एरिया सेपरेट, मतलब यू आर स्पॉइल्ड फॉर स्पेस इन दिस हाउस। इस घर में इतनी जगह है कि आप इसको यूटिलाइज करते करते थक जाएंगे लेकिन जगह खत्म नहीं होगी। बड़ी फैमिली के लिए घर है, पैंट्री की कैबिनेट सब कुछ बना रखा है, एलेका की मॉड्यूलर किचन है। किचन आपने देख लिया है, किचन में देखिए कुछ साइलेंट फीचर्स हैं किचन के जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आपका वर्किंग काउंटर है, यहाँ आप अपनी सब्जियाँ धो, ये एक सिंक, वहाँ धो आप अपने बर्तन, उसमें लगा रखा है जेट, हाई प्रेशर से बर्तन धो। बिल्डर ने जगह होने के साथ साथ क्या किया है, घर को ऐसे बनाया है जैसे उन्होंने खुद उसमें रहना हो। ये लगे हुए पैंट्री के ड्रॉर, मतलब बॉस क्या चाह रहे हो आप इस घर में, ये देखो एक्सटेंडेबल और है बाहर, आराम से माताजी बूढ़ी हैं अंदर नहीं जा सकती, यहीं से अपना दालचीनी इलायची लौंग सब उठा लेंगी बिरयानी बनाने के लिए। बिरयानी नहीं खाते हो तो पुलाव बना लेना, यू नो व्हाटएवर यू वांट। ये आपके डबल डोर फ्रिज के लिए एडिक्वेट स्पेस है, डबल डोर फ्रिज आराम से लग सकता है यहाँ पे। टोटल जो आपकी पब्लिक एरिया की स्पेस है ना गाइस, वो कुछ 13100 फुट है, 13100 फुट मतलब 1300 स्क्वायर फीट। यहाँ पे फैमिली लाउंज, लाइब्रेरी रैक, कॉफी टेबल, रीडिंग कॉर्नर, मेडिटेशन कॉर्नर, ड्रॉइंग डाइनिंग सब बन सकता है। अब थोड़ा गेटिंग अ होल्ड ऑफ माई सेल्फ, अगर मैं ये घर लेता तो डाइनिंग एरिया मेरा यहाँ होता, आई वुड हैव प्लेस्ड एन एलैबोरेट 8 सीटर डाइनिंग टेबल, 10 सीटर डाइनिंग टेबल, कंसिडरिंग दैट ये 5 BHK घर है और थोड़ा लार्जर देन लाइफ है तो बड़ी फैमिली यूज करेगी तो यहाँ 10 सीटर का डाइनिंग टेबल लगता। इस पिलर पे आपकी चेस्ट लगती जहां पे आपकी कटलरी क्रॉकरी सेव हो जाती, और क्योंकि ये आपके किचन से कनेक्टेड है तो पूरा अर्गोनॉमिकल रहता, आपका खाना आपको गरम गरम यहाँ परोसा जाता। साथ में पब्लिक एरियाज हैं, पब्लिक एरियाज हैं ही मैग्नानिमस। पब्लिक एरियाज में आपका पाउडर वॉशरूम आपका बहुत एलैबोरेट है, और क्योंकि ये आपके 5वें बेडरूम या स्टडी से कनेक्ट होता है तो इस पाउडर वॉशरूम में एक शार भी दे रखा है। आई पर्सनली बिलीव दैट अ पाउडर वॉशरूम इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट जस्ट एनी अदर वॉशरूम बट इट्स अ स्टेटमेंट। व्हाई इज अ स्टेटमेंट, बिकॉज ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया सब अच्छा रखते हैं। कहा जाता है हाई सोसाइटी में दैट अ हाउस दैट हैज अ स्पिक एंड स्पैन वॉशरूम इज अ स्पिक एंड स्पैन हाउस, सो पीपल जज यू फ्रॉम योर वॉशरूम। एक बार फिर से ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया में खो जाइए इसमें, देखिए लुक एट द साइज गाइस, लुक एट द साइज। मतलब मैं तो सोच के पागल हो रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये घर होता तो मैं टेरी गार्डन में जाके क्रिकेट खेलने की जगह यहीं बैटिंग प्रैक्टिस कर सकता था। चलिए बेडरूम नंबर वन इज द फर्स्ट बेडरूम विच इज इन द फ्रंट ऑफ द हाउस, और मतलब यार साइज तो साइज, लेकिन एक चीज देखो, आपका बिस्तर लगेगा, हेडबोर्ड आता है, तकिए यूज करते हो, यहाँ उन्होंने फोम की पैनलिंग ऑलरेडी कर रखी है, मतलब इस पे आप आराम से अपना सर रख सकते हो, वुडन और फोम के कुशन वेलवेट पैनलिंग हो रखी है। सामने लगेगा आपका टेलीविजन वाली वॉल भी पैनल्ड है, याद रखना इट इज नॉट कोटेड, इट्स नॉट जस्ट सिंपली पेंटेड। और अब आ जाओ इस छोटी सी दुनिया के अंदर, मैं इस बाथरूम को एक छोटी सी दुनिया बोल रहा हूँ। कल परसों मैं एक रील देख रहा था, वहाँ 400 कारपेट का बॉम्बे में विक्रोली में कोई घर बेच रहा था, यार हमारा कमरा ही 400 फुट का है,
So welcome to Gurgaon's Real Estate and welcome to the most luxurious channel of Gurgaon's Real Estate. अगर अभी भी वीडियो में बने हुए हो तो देर मत करो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबा लो ताकि कुछ मिस ना हो पाए. कबर्ड स्पेस, इतनी एलैबोरेट कबर्ड स्पेस है कि पति पत्नी और वो तीनों अपने कपड़े रख सकते हैं. नॉट लाइक आई एम सजेस्टिंग कि आप पति पत्नी और वो वाले सिचुएशन में आओ, बट जस्ट दैट घर बहुत सुंदर है और आज थोड़ा बीसी करने का ज़्यादा मन कर रहा है तो इसलिए आपको उल्टी सीधी चीज़ें बता रहा हूँ. आई एम श्योर मेरे कुछ क्रिटिक्स देख के बहुत गुस्सा होंगे, वो बोलेंगे जस्ट बी सीरियस एंड यू नो स्टार्ट कीप शोइंग द हाउसेस, बट यू नो लिटिल बिट ऑफ फन इज इम्पॉर्टेंट इन 2024. दो थिंग्स हैं, मियाँ बीवी दोनों साथ में तैयार हो सकते हैं, वेट एंड ड्राई एरियाज आर सेपरेट. और शावर देखिए बॉस, मतलब दिस इज अ इमर्सिव बेदिंग एक्सपीरियंस. इज नॉट जस्ट एनी शावर, इट्स एन इमर्सिव बेदिंग एक्सपीरियंस दिस वन. ग्लास फ्लाउटिंग की कबर्ड्स हैं, पीयू कोटेड, पीयू पेंट कोटेड है, बहुत बढ़िया काम कर रखा है. आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्क. ये जो टीक वुड फिनिश दे रखी है ना, मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब आई पर्सनली लव इट. बाकी आप लोगों का मैं कुछ कह नहीं सकता. चलिए बाहर चलिए. अब दूसरा बेडरूम आपको कैसे दिखाऊं यार, मैं तो थक गया हूं आपको ये घर दिखाते दिखाते. मतलब इतना बड़ा घर है. आओ दूसरे बेडरूम के अंदर आओ. दूसरा बेडरूम देखिए, दूसरे बेडरूम में क्योंकि घर बहुत बड़ा है तो इन्होंने थोड़ा मिक्स एंड मैच किया है. मिक्स एंड मैच क्या किया, फ्लोरिंग पे किया है. पूरे घर में वीआरवी एयर कंडीशनिंग है. वीआरवी एयर कंडीशनिंग आपके कुछ 22 टन के आसपास एक फ्लोर पे लगी हुई है. ये आपके लिए बहुत स्मार्टली उन्होंने कबर्ड्स डिजाइन करी हुई है और एस्थेटिक सेंस को दिमाग में रखते हुए. तो ये कमरे में ही कबर्ड्स हैं, बिकॉज जनरली ये डेड स्पेस होती तो देव यूटिलाइज इट एज अ कबर्ड स्पेस. लुक एट दिस ब्यूटिफुल, सरीन, नाइस, क्लीन, क्रिस्प. यहां लगेगा आपका बिस्तर या वहां लगेगा आपका बिस्तर. हाँ मतलब अगर मैं होता तो मैं यहां बिस्तर लगाता और यहां लगता मेरा टेलीविजन, राइट, क्योंकि वहां टेलीविजन की पैनलिंग दे रखी है. घुसिए और जाके अपना बाथरूम देखिए. इसका बाथरूम उतना बड़ा नहीं है बट वेरी सिंपल, सरीन, प्रिस्टीन एंड ब्यूटिफुल. मतलब बड़ा क्या नहीं है, यहां भी कबर्ड्स हैं, वहां भी कबर्ड्स हैं, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट है, फिर इतना भयंकर शावर लगा रखा है. मतलब इसमें पानी कहाँ कहाँ से निकलेगा कि अगर जैसे मेरे ऐसा आदमी जो शावर में नहीं नहाया हो, क्योंकि मेरे घर पे शावर है नहीं, मैं जनरली मग्गे और बाल्टी से नहाता हूँ, तो कैसे करूँगा मैं ये. ये आपकी बालकनी से कनेक्टेड है. चार कमरे बालकनी से कनेक्टेड है, एक कमरा बालकनी से कनेक्टेड नहीं है. एक्सटेंडेड अगर जाल लगवा लेंगे तो और भी स्पेस बढ़ जाएगी. वैसे मुझे लगता नहीं है इस घर में कुछ और स्पेस एडिशन की ज़रूरत है आपको, बिकॉज यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हियर. आपको पता है इस घर में आपको 4200 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया मिल रहा है. जी हाँ, 4200 स्क्वायर फुट. अब 4200 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया अपार्टमेंट से अगर मैं कंपेयर करूं तो 1.3 से उसको मल्टीप्लाई करता हूं, वो बनता है 5500 स्क्वायर फीट. 5500 स्क्वायर फीट गाइस, अगर मैं आपका देखूं गोल्फ कोर्स रोड पे स्टैंडर्ड रेट 30,000 रुपए का है, तो 5500 स्क्वायर फुट के हिसाब से अगर यही घर एक अपार्टमेंट में होता तो मिनिमम 17 करोड़ का होता. मैं तो उससे आधे की दाम में दिखा रहा हूँ. चलो बेडरूम नंबर 3 के अंदर. बेडरूम नंबर 3 छोटा कमरा है, सॉरी, और ये है आपका छोटा कमरा. छोटा देखिए, लुक एट दिस यार. मैं जब बिल्डर से बात कर रहा था उन्होंने बोला आते हुए कि चेतन ये कमरा छोटा है. मैंने कहा भैया छोटा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें रहूंगा कैसे. मतलब जैसे ये यहां मेरा बिस्तर लगना है, अब मेरा बिस्तर यहां लग गया, सामने टीवी लगा. बॉस आई विल एटलीस्ट हैव टू हैव अ 90 इंच टीवी स्क्रीन यार. विदाउट अ 90 इंच टीवी स्क्रीन आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस रूम. छोटा कमरा इसलिए है कि दिस इज अबाउट 220 स्क्वायर फीट ऑफ प्लेन रूम स्पेस, वॉल टू वॉल यहाँ पे. उसके बाद थोड़ी सी डेड स्पेस है जहाँ पे आप एक कवर कर सकते हो और फिर से घुसो वॉशरूम के अंदर. ये एक ऐसा वाहिद घर है जहाँ पे हिम और हर कबर्ड कॉन्सेप्ट हर कमरे में है. वेट एंड ड्राई एरियाज आर सेपरेट. यहाँ पे शावर और डब्ल्यूसी के लिए अलग कंपार्टमेंट दे रखा है. ग्रे और गोल्डन काम है. कबर्ड के साइज देख लो, मतलब इस घर में कबर्ड की वजह से तो लड़ाई नहीं होगी बीवी से. बाकी आप अगर उनकी बात नहीं सुनेंगे तो जितनी भी बड़ी कबर्ड लगा लें, बीवी ने डांटना ही डांटना है. अब चलते हैं चौथे कमरे की तरफ. चौथा कमरा फिर से 250 फुट का तो कमरा ही है सिर्फ. आइए आइए, ये भी देखिए देखिए. चलिए बॉस, देख रहे हो, देख रहे हो. मतलब मैं स्पिन बॉलर था
तो अगर मेरा रनअप था 4-5 कदम का ना, तो मैं रनअप लेके बॉल कंप्लीट कर सकता हूँ अपनी। मैं रनअप अपना दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि कोट वोट पहना हुआ है, बहुत फ्लिमजी हो जाएगा। ये आपकी टीवी की पैनल नहीं, यहाँ आपका दरवाजा कॉर्नर प्रॉपर्टी होने की वजह से वेंटिलेशन, और आपका नेबर है एक 50 साल पुराना पेड़, ठीक है जी। आपको बता ही चुका हूँ, सेंट्रली एयर कंडीशन है। जाके बाथरूम देखिए, खूबसूरत बाथरूम, अगेन ग्लास फ्लाउटिंग के आपके कबर्ड के ड्रॉर्स, सैनिटरी वेयर्स बाय कोला एंड स्टर्नहैगन, ब्यूटीफुल हाउस। मतलब एक तो आरोहन की क्वालिटी है ना, पंकज भैया का विश्वास, और इतना बेहतरीन लेआउट। मतलब गुड़गांव में ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो इतनी प्रीमियम रोड्स पे इतने प्रीमियम घर हैं। और ये है आपका एक्चुअली सबसे छोटा कमरा, ये 200 फुट का कमरा है, और इस घर का सही में मतलब ये अगली डकलिंग है। अगली डकलिंग तो नहीं है, सुंदर कमरा है। मेरे जैसे आदमी को तो यहाँ रखवा दो तो मैं पैर हाथ लगाऊं, कोई मेरे फ्यूचर इन लॉज देख रहे हो तो घर जमाई बन जाऊंगा अगर ऐसा घर होगा तो। तो घर के साइलेंट फीचर्स बताने से पहले मैंने कहा आपको एक बार ये दिखा दूं कि इस बिल्डर के पास कितनी अरे ऑफ इन्वेंट्री है और क्यों ये इतने ट्रस्टेड बिल्डर है। आरोहन होम्स, माई नेम फॉर क्वालिटी इन गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। ये किसी होटल की लॉबी नहीं है, जो आप ऊपर घर देख रहे थे उसी की लॉबी है। इस लॉबी में आपके कोई भी डिलीवरी वाले सर्वेंट्स, बेसिकली जो भी कोई इंसान आप नहीं चाहते कि आपके घर के अंदर आए, वो आपकी लॉबी में बैठ सकता है। और ये आपका स्टिल्ट एरिया है, स्टिल्ट एरिया में सामने दिखाइए महेंद्र जी, 4 प्रॉपर गेट्स फॉर पार्किंग, राइट। सो एवरी हाउस हैज एन इंडिविजुअल बे। आपको कभी भी रात को भले दारू पी के आ रहे हो, लेट आ रहे हो, कोई चिक चिक नहीं करनी है अपने नेबर के साथ, कोई भसड़ नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, स्ट्रेट इन स्ट्रेट आउट, पार्किंग फॉर 4 कार्स ऑल्सो। दिस इज वन सच बिल्डर फ्लोर जहां पे आपको हर फ्लोर के साथ 2 सर्वेंट क्वार्टर्स मिलते हैं। जी हाँ, 2 सर्वेंट क्वार्टर्स और अटैच्ड वॉशरूम, मतलब दिस इज अ यूटिलिटी इन इटसेल्फ, दोज आर द सर्वेंट क्वार्टर्स। बिल्डर अगर चाहते ना तो आराम से इसको स्टिल्ट का एरिया बना के 50 लाख का ऊपर बेच सकते थे। बट वाई आई बिलीव आरोहन होम्स इज बिकॉज दे स्टैंड फॉर क्वालिटी। क्वालिटी इज समथिंग दैट बॉस कॉर्नर कट करके और प्राइस कट करके नहीं आती। चलिए अब आपको इस घर के साइलेंट फीचर्स बताता हूँ, एंड देन आई वुड होप दैट यू कॉल मी ऑन द नंबर गिवन बिलो एंड कम टू सी दिस हाउस क्विकली, बिकॉज वी हैव ओनली 1 फ्लोर लेफ्ट एंड बिफोर दिस सेल्स आउट यू मस्ट चेक आउट दिस ब्यूटी। तो घर आपको दिखा दिया है, घर बहुत सुंदर है, बहुत लाजवाब है। रिकैपिंग द साइलेंट फीचर्स, 5 बेडरूम्स, 5 वॉशरूम्स, 630 square feet, built on a 24 meter road. This is a south facing corner plot in DLF phase 2. Price is starting at 9.25 crores. Only 1 floor is left. We have an exclusive mandate at Realtors Next Door. Abhi nahi, to kabhi nahi. This is Chetan Kaushal saying Jai Hind and bye bye for today.